أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو अर्शद नदीम को तो 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी गई, लेकिन कुकड़ हट्टा के होनहार तालिब इल्म जिसने पहली पोजीशन हासिल की उसे एक रुपया तक ना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मियां चन्नू से थोड़े से फासले पर वाकई शहर कुकड़ हट्टा तहसील कबीर वाला जिला खानवाल की। यहाँ की आबादी तो तकरीबन 30,000 लोगों की है, लेकिन यहाँ के लोगों को आप देख चुके हैं कि मुल्क की सलामती और जज्बा हुब्बुल वतनी में अपनी जान तक निशावर कर देते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों से फारिगुल तहसील तालिब इल्म पाकिस्तान के बेशतर अहम इदारों में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, रेस्क्यू, हेल्थ, एजुकेशन, वापडा, वासा, ओजीडीसीएल और इंजीनियरिंग के अलावा कानून से वाबस्ता है। ये सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क और कौम का सर फखर से बुलंद करने के लिए कोशिश हैं। बात अगर खेलों की जाए तो यहाँ के लोगों में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में जीरो से शुरू करके नेशनल और फिर इंटरनेशनल सतह पर अपनी जीत का लोहा मनवाने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इन लोगों की सरपरस्ती करने वाला भी मौजूद नहीं है। पिछले एक दिहाई से हमारे शहर कुकड़ हट्टा का जो हाल है आप देख भी नहीं सकते। यहाँ के जो अस्पताल है वहाँ मरीजों के लिए अद्वियात मौजूद नहीं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो खंडरात का मंजर पेश करती हैं। यहाँ के जो सीवरेज सिस्टम है वो एक अरसा से नकारा हो चुका है। यहाँ जो बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड था उसे स्कूल की इमारत में जम कर दिया गया है। अब यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज के बजाय मोबाइल पर गेम्स खेलने, वीडियो देखने के अलावा सिगरेट नोशी, चोरी, डकैती, कत्लो, गारत, आशी के अड्डों पर जाने के अलावा और कुछ काम नहीं। खुदा रहा इन मासूम लोगों और इनकी आने वाली नस्लों पर रहम करें और इन्हें ऐसे क्राइम से बचाने के लिए हमारा साथ दें। इनको गवर्नमेंट की और महकमा इनहार की और टेंडर की जमीनों में से वाकई वसी रकबे पर प्ले ग्राउंड दिया जाए, जहाँ ये अपनी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ इन्हें आला किरदार का हामिल इंसान बनाया जा सके, जिससे इस मुल्क और कौम की खिदमत हो सके। मेरी आला हुकाम से पुरजोर अपील है कि यहाँ के लोगों को एक वसी रकबे पर वाके प्ले ग्राउंड की सहूलत दी जाए और साथ ही इन बच्चों को खेलने के लिए कोचेस की सहूलत दी जाए और साथ ही कुकड़ हट्टा की सड़कों को दुरुस्त किया जाए, जिससे इस कदीम शहर को तरक्की मिल सके। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नौ जिस कौम को ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्हीं अल्फाज के साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। अल्लाह निगहबान।